हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में आपको यूपी TSSC पिट के जो 12 टॉपिक जो हैं स्टैटिक जीके के हैं, उसमें से आपको हम पहला टॉपिक लेकर आए हैं। इसमें जो है आपको हम बताएंगे भारत के पड़ोसी देश। देखिए, इससे संबंधित आपके एक प्रश्न 100% इसमें से आपको आना ही आना है, जो कि आप पिछले वर्ष के पिट में पूछे गए हैं। तो मैंने उनके पहले 5 प्रश्न जो हैं वो लिए हैं, इसके बाद इससे संबंधित प्रश्न हमने पड़ोसी देशों से लिए हैं। ठीक है, तो आपको इसे जरूर देखिएगा, एक प्रश्न आपको यहाँ से जरूर मिलेगा। देखिए, हम पूरा जो 12 टॉपिक हैं स्ट्रेटेजी के उसमें एक एक करके हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो आज ये हमारा पहला टॉपिक है। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, कह रहे कि निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये जो है आपका 2021 वाले पेट में प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, चलिए, कह रहे कि जापान को, भूटान को, नेपाल को या श्रीलंका को, बताइए भाई। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो किसको जाना जाता है, तो थंडर ड्रैगन के नाम से की भूमि से, तो यहाँ पे आपका बी नंबर हो जाएगा, भूटान को। ठीक है, भूटान को। देखिए, भूटान जो है भारत के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। कौन कौन? पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और असम हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, ये भी आपका प्रश्न आया हुआ है, करें कितने भारतीय राज्य, देखिए, नेपाल से सीमा साझा करते हैं। देखिए, मैंने कहा 5 क्वेश्चन आपके जो आए हुए थे वही लिए हैं। करें 3, 5, 6 या 4, बताइए भाई। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर हो जाएगा, 5। ठीक है, तो नेपाल जो है भारतीय राज्य के 5 राज्यों से जो है सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। कौन कौन भाई? यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया और उत्तराखंड हो गया। ठीक है, उत्तराखंड हो गया। तो ये 5 राज्य जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं। आइए अगला देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न देखो, ये भी आया था भाई, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं, बताइए भाई। कह रहे कि सेशल्स ऑस्ट्रेलिया है, मालदीव म्यांमार है, श्रीलंका मालदीव है या लक्षद्वीप या श्रीलंका है, बताइए भाई। देखिए, ये भी आपको प्रश्न आया था पिछले 2022 में, बताइए। सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा, तीसरा का? तो ये सी नंबर हो जाएगा, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, तो तटीय कितने देश से सीमा बनाता है भारत? 2, और स्थलीय से कितने? 7, कुल मिला के 9। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। चलिए, ये भी आपका प्रश्न आया हुआ था 2022 का, बताइए भाई। करें कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, बताइए। करें कि 5, 6, इनमें से कोई नहीं, डी नंबर करें, 7 हुआ। देखिए, जैसे आया था मैंने वैसे टाइप कर दिया, बताइए भाई। तो कितने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 राज्यों से। ठीक है, 5 राज्यों से बांग्लादेश जो है भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक, तो आपका कौन हो जाएगा? ए नंबर। तो देखिए, 5 में कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ठीक है, असम। ठीक, तो ये आपके 5 राज्य, ध्यान रखना है आपको, जरूर इनको तैयार करके जाना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, लास्ट है ये वाला लिए हैं, ये भी आया था, 5 मैंने कहा था कराएंगे। कहें कि निम्नलिखित में से भारत का पड़ोसी देश नहीं है। देखिए, ये भी पूछा है कि आपको पड़ोसी देश आपके कितने लगते हैं, तो आसान क्वेश्चन है, चीन है, कहें कि यूएई है, म्यांमार है या मालदीव है, तो बताइए भाई। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, यूएई जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ठीक है, ठीक, तो आपके 7 जो है स्थलीय देश से सीमा बनाता है भारत, और 1-2 जो है श्रीलंका और मालदीव से तटीय। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए, आपका जो है बांग्लादेश से सीमा बनाता है, चीन से बनाता है, पाकिस्तान से, नेपाल से, म्यांमार से, भूटान से और अफगानिस्तान से। ठीक है, चलिए, ये तो 5 आपके पिछले साल जो आए हुए थे मैंने उसको पहले करा दिया। अब देखिए, आप कैसे प्रश्न आपको याद रखना है बन सकता है। ठीक है भाई, चलिए, कहें कि मैक मोहन रेखा सीमा बनाती है, तो मैक मोहन रेखा सीमा किसके बीच होती है? कहें कि भारत एवं नेपाल के बीच, भारत एवं चीन के बीच, भारत एवं म्यांमार के बीच या भारत एवं पाकिस्तान के बीच, बताइए भी। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत एवं चीन के बीच, भारत एवं चीन के बीच। देखिए, कितनी साझा करती है बाउंड्री? 3488 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए, इसका निर्धारण कितना कब किया गया था? यह 27 अप्रैल 1914 को। ठीक है, इसका जो है निर्धारण किसने किया था? सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा।
या जो है दूसरी सबसे बड़ी सीमा साझा करने वाला देश कौन है? चीन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए भाई, कह रहे कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, तो आपको बताना है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म होगा। करें सिक्किम भूटान, सिक्किम बिहार, असम बिहार या उत्तर प्रदेश हरियाणा, बताइए भाई। तो सही आपका जोड़ा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्किम और बिहार। ठीक है, नेपाल से आपके पांच राज्य जो हैं क्या करते हैं, आपके साझा करते हैं भारतीय राज्यों से। कौन कौन से? यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है और उत्तराखंड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए भाई, अगला प्रश्न है, कह रहे कि कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो अभी आपको हमने बताया नेपाल से कितने साझा करते हैं भाई। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो कितने करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पांच ना, पांच जो है राज्य करते हैं। ठीक है, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा किसे कहा जाता है? बताइए मैं, कह रहे कि डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा या पाक जल डमरू मध्य। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा कौन सी है? सही ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगी, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, डूरंड रेखा किसके? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा अभी आपको बताया गया, चीन और भारत के। पाक जल डमरू मध्य, भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता? देखिए, नहीं वाला आपको बताना है। चलिए भाई, करें कि मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मणिपुर जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, त्रिपुरा से करता है, मिजोरम से करता है, असम से करता है और पश्चिम बंगाल से करता है साझा। ठीक है, और भाई मेघालय से। ठीक है, तो इस प्रकार आपके पांच राज्यों से पश्चिम बंगाल जो है सीमा साझा करता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, बांग्लादेश की जो कितने किलोमीटर बाउंड्री कवर करता है, तो ये 4096.7 किलोमीटर की बाउंड्री जो है सबसे ज्यादा। ठीक है, याद रखना भाई, बांग्लादेश जो है भारत से सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे कि आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? बताइए भाई, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी नंबर हो जाएगा, भारत एवं श्रीलंका के बीच। ठीक है, अगला है, अगला कह रहे, निम्न में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो ये कौन सा है भाई? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, कह रहे कि एलिफेंटा है, रामेश्वरम है, लक्षद्वीप है या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, रामेश्वरम। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहे कि भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बताइए भी, सही ऑप्शन हो जाएगा, तो कौन करता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर से। कितना करता है? तो ये 1222 किलोमीटर, ठीक है, इतना साझा करता है। ठीक है, तो पाकिस्तान कुल कितना सीमा साझा करता है? तो ये 3323 किलोमीटर, ठीक है, भारत से। ठीक है, अगर जम्मू कश्मीर से सिर्फ इतना करता है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य म्यांमार देश की सीमा पर नहीं है? बताइए भाई, म्यांमार के सीमा पर कौन सा राज्य जो है भारत का नहीं है? चलिए बताइए भाई, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा जो है म्यांमार से साझा नहीं करता है। ठीक है, तो म्यांमार से कौन कौन से राज्य हैं, कुल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? चार। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, म्यांमार की जो सीमा जो है भारत कितना करता है, तो ये साझा तो 1643 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे कि भारत और पाकिस्तान सीमा को भी कहा जाता है, कह रहे कि जीरो पॉइंट सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तटीय सीमा या इनमें से कोई नहीं, बताइए भाई। तो भारत और पाकिस्तान सीमा को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी कहते हैं। ठीक है, तो बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे कि भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है?
बताइए भी बांग्लादेश से नहीं लगती। तो बांग्लादेश से कितनी सीमाएं भारत की लगती है? 5 राज्यों से लगती है। तो बताइए नहीं वाला आपको बताना है, तो किससे नहीं लगती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, मणिपुर से नहीं लगती। देखिए मिजोरम से लगती है, त्रिपुरा से लगती है, मेघालय से लगती है, ठीक है, और असम से लगती है, और किससे लगती है? पश्चिम बंगाल से लगती है, ठीक है। तो ये 5 राज्यों से सीमा साझा करता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश है भारत के साथ, ठीक है। कितना है? 4096.7 किलोमीटर। अगला है, भारत पाकिस्तान सीमा की कुल लंबाई कितनी है? बताइए भैया भारत पाकिस्तान सीमा की कुल लंबाई कितनी है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा, 3323 किलोमीटर, ठीक है। अगला है, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा की लंबाई कितनी है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा कितनी लगती है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1170 किलोमीटर, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की सीमाएं कब खींची गई? बताइए भी सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, 17 अगस्त 1947। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? बताइए भाई कुल पूछा है, तो आप कितने हैं? सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 9, ठीक है। 9 जो है आपका कुल देशों की संख्या। देखिए स्थलीय आपके 7 हैं, तटीय कितने हैं? 2 हैं, ठीक है, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। और तटीय में आप जानते हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ठीक है। अगला है, देखिए अगला प्रश्न है, कह रहे कि डूरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो कब हुआ ये? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1896 ईस्वी में। अगला है, कह रहे कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा राज्य कौन सा है? बताइए भी बांग्लादेश से 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, बताइए भी सही ऑप्शन हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा? त्रिपुरा, ठीक है, ऐसे याद रखना, 3 त्रिपुरा, 3 तीनों तरफ से, तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन से हैं? तो बताइए भी पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन है? तो कौन है? सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बांग्लादेश और म्यांमार। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहे कि अफगानिस्तान लद्दाख की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो भी सही ऑप्शन हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा। देखिए अफगानिस्तान और लद्दाख की सीमा की रेखा की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी नंबर हो जाएगा, 106 किलोमीटर। तो मतलब यह जो है सबसे कम साझा करता है भारत के साथ सीमा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, करें अफगानिस्तान की सीमा भारत के किसी एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? तो किससे लगती भाई? तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, लद्दाख से। अगला देखते हैं, भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? बताइए भाई भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1751 किलोमीटर। अगला है, भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं? बताइए कहने 4, 5, 8, 6, सही ऑप्शन हो जाएगा, तो किससे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 राज्यों से साझा करता है, कौन? यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। अगला है, भारत और नेपाल की सीमा का क्या नाम है? तो भारत और नेपाल की सीमा का क्या नाम है आपको यहां बताना है, तो कौन है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सुनौली। अगला है, भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? बताइए भाई भारत और बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाले कौन है? बांग्लादेश है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। अगला है, चलिए भाई आपको यहाँ बताना है, कहें कि बांग्लादेश की सीमा भारत के किन 5 राज्यों से लगती है? बताइए भाई सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, देखिए असम है, ठीक है, असम, मिजोरम, ठीक है, 5 राज्य ये ध्यान रखिएगा। अगला है, करें कौन सा राज्य मार्ग भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है?
तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एनएच 12। ठीक है, अगला है, भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है? भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है? तो किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, अगला है, करे बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो कितने राज्यों से? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 5 राज्यों से। अगला है, चीन की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? बताइए भी। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी नंबर हो जाएगा, 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, चीन की कौन कौन? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगला है, कहने चीन की सीमा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के साथ सीमा लगती है? बताइए भी। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा ए नंबर, लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? बताइए भी, भारत और म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो कितनी है भी? तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, 1643 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है, कहने की म्यांमार भारत के किन 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। अगला है, म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो कौन सा ये? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित देशों में से किसके साथ सबसे लंबी है? तो ये किसके साथ है सबसे ज्यादा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन के साथ। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ सबसे लंबी लगती है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो किसके साथ? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिजोरम के साथ। अगला है, भारत और भूटान की सीमा की लंबाई कितनी है? बताइए, भारत और भूटान की सीमा की लंबाई कितनी है? तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 999 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा भूटान के साथ सबसे लंबी लगती है? बताइए किसके साथ? सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, असम के साथ। अगला प्रश्न है, भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा जोड़ता है? तो कितना है? तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 4। कौन से? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है, तो इस प्रकार आपके इतने ही क्वेश्चन हमने लेकर आया था जो कि इंपॉर्टेंस है, तो आप इन्हें ध्यान दीजिएगा। इससे प्रश्न आपके एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, तो आपके 12 टॉपिक हैं, आपको 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आना है। ठीक है, तो आपको हम एक एक करके करा देंगे। ठीक है, तो आप इन्हें जरूर देख कर जाइएगा, आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।